बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी के रिस्पेक्ट में कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड करें, इस एग्जांपल्स के थ्रू प्रीवियस रूल्स आपके लिए याद रखना पॉसिबल होगा। सपोज दैट वी आर टेकिंग सम वेरिएबल एज एक्स, एजूम साइज ऑफ एक्स इज 4 बिट्स। अगर किसी वेरिएबल एक्स का साइज मेमोरी के अंदर कितना है 4 बिट्स, एक्स के अंदर मैं 4 या 3 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन कराऊंगा और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट केस। फर्स्ट वन, सपोज दैट एक्स का साइज क्या इस केस में एग्जैक्टली 4 बिट। फर्स्ट वन वी आर असाइनिंग एक्स इक्वल्स टू समथिंग 6। नेक्स्ट वन वी आर असाइनिंग समथिंग एक्स इक्वल्स टू -6। इन नेक्स्ट केस वी आर असाइनिंग एक्स इक्वल्स टू समथिंग 20, एक्स इक्वल्स टू 20 लाइक दैट। देन व्हाट इज द आउटपुट रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वैल्यूज इन 4-bit बाइनरी रिप्रेजेंट वी आर डिस्प्लेइंग और वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम 1 by 1। फर्स्ट वन, इन सभी केसेस में एक्स का साइज क्या है एग्जैक्टली 4 बिट्स। इन फर्स्ट केस अगर एक्स का साइज 4 बिट है तो एक्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया था, एक्स के अंदर 2 types के बिट्स पॉसिबल होंगे। 2 types के बिट्स मीन्स साइन बिट और डेटा बिट। सपोज दैट वी आर डिक्लेयरिंग सम वेरिएबल एज एक्स, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्पेसिफिकेशन साइज ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली 4 बिट्स। तो इस केस में फर्स्ट बिट क्या साइन बिट और रिमेनिंग बिट्स क्या होंगे डेटा बिट्स। एक्स में क्या असाइन कराया 6, एक्स में 6 असाइन करने के रिस्पेक्ट में सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या होगा इस केस में, एक्स के पास मेमोरी किस फॉर्म में बिट्स के फॉर्म में, इसलिए सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या होगा इस केस में बाइनरी नंबर ऑफ 6। बाइनरी नंबर ऑफ 6 इज 1100। लेकिन एक्स के पास अवेलेबल कितने बिट्स हैं इस केस में 4 बिट्स। सिंपली अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल है डेटा राइट टू लेफ्ट असाइन करना स्टार्ट करें, मीन्स राइट मोस्ट बिट में या मेमोरी में असाइन होगा। नेक्स्ट टाइम क्या असाइन कराएंगे 1, नेक्स्ट टाइम अगेन 1। इस रिमेनिंग बिट्स के लिए कोई भी अगर डेटा अवेलेबल नहीं, अगर इस केस में डेटा अवेलेबल नहीं देन रिमेनिंग बिट्स में डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कराओगे एज अ 0। दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स। इस एक्स में डेसिमल नंबर 6 असाइन किया, इसके अकॉर्डिंग इंटरनली मेमोरी में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ 0110 इन 4 बिट्स। नेक्स्ट वन वी वांट टू डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ एक्स। अगर इस सिचुएशन में एक्स का वैल्यू डिस्प्ले कराओ यूजिंग %d, आपको ऑलरेडी पता है प्रीवियस केस में आपको बोला था मीन्स आउटपुट ऑलवेज किस फॉर्म में डिस्प्ले हुआ इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन एक्स के पास मेमोरी के अंदर एक्स में वैल्यू किस फॉर्म में बाइनरी फॉर्म में और आउटपुट डेसिमल नंबर सिस्टम में डिस्प्ले कराना है अकॉर्डिंग टू %d, तो रिक्वायर्ड क्या हुआ इसके इसमें बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे साइन बिट। साइन बिट क्या है इसका 0। उस बाइनरी टू डेसिमल में रूल क्या बताया था मीन्स सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे साइन बिट। साइन बिट के केसेस में 2 possible cases होंगे, साइन बिट आइदर 0 or 1। अगर साइन बिट 0 देन डायरेक्टली परफॉर्म करोगे बाइनरी टू डेसिमल। इफ साइन बिट इज 1 देन सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या हो बाइनरी टू 2's complement देन 2 decimal फॉलोड बाई माइनस साइन। तो फर्स्ट केस में कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट रूल बिकॉज साइन बिट इज 0। साइन बिट 0 देन डायरेक्टली इसका डेसिमल नंबर निकालना पॉसिबल है। इस केस में फर्स्ट बिट में मल्टीप्लीकेशन किससे होगा 2 to the power 0 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 1 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 2 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 3। मीन सिर्फ 0 है ओनली, इस केस में क्या है 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 1 is 2, 4 + 2 is 6, इसलिए फाइनल रिजल्ट क्या है इस केस में 6। नेक्स्ट वन नेगेटिव नंबर, अगेन एक्स का साइज क्या लेना है एग्जैक्टली सेम। सेकेंड केस में भी एक्स का साइज क्या है अगेन 4 बिट, पर एक्स का साइज 4 बिट है यानी इस केस में अगेन फर्स्ट बिट क्या है साइन बिट, रिमेनिंग बिट्स आर डेटा बिट। तो सबसे पहले जैसे एक्स में -6 असाइन करेंगे, आपको ऑलरेडी पता है नंबर करंटली कैसा नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, दिस वन इज अ नेगेटिव। और नेगेटिव नंबर्स के केसेस में अगर आपको -6 का बाइनरी नंबर रिक्वायर्ड है देन -6 का बाइनरी किसके इक्विवेलेंट हुआ इक्विवेलेंट टू 2's complement of 6। तो इस केस में डायरेक्टली -6 का बाइनरी पॉसिबल नहीं, इसलिए रिक्वायर्ड किया अगर आप 6 का 2's complement कैलकुलेट करो ये भी किसके इक्विवेलेंट नंबर देगा इक्विवेलेंट टू
माइनस सिक्स, दिस इज पॉसिबल फॉर यू। सिक्स का टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के रिस्पेक्ट में सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होगा, बाइनरी नंबर ऑफ सिक्स। सिक्स का बाइनरी क्या है, 110। लेकिन x के पास 4 बिट्स हैं, इसलिए ऑपरेशन भी 4 बिट्स में परफॉर्म करने के लिए एक्स्ट्रा बिट ऐड करा लेंगे, जो 0। दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ 6 इन 4 बिट रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वन अप्लाई क्या करें, टूज। टूज के रिस्पेक्ट में सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होगा, इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट। और वंस कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 0 को 1 में कन्वर्ट करेंगे, 1 को 0 अकॉर्डिंग टू वंस कॉम्प्लीमेंट 1001। ऐड कराएंगे वैल्यू एस 1, ऐड क्या हुआ इसमें 1, 1 प्लस 1 इज 0, साइन बिट इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 0 1। दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ, इसी क्या है, इट इज टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6, और वी कैन से इट इज बाइनरी नंबर ऑफ माइनस 6। बाइनरी नंबर क्या है, 1010, मीन सबसे पहले 0 साइन कराओगे, मीन फाइनली माइनस 6 का बाइनरी क्या है, 1010। रियल में देखा जाए तो 10 का बाइनरी, लेकिन 4 बिट्स के केस में किसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू माइनस 6। साइन क्या कराएंगे, सबसे पहले 0, नेक्स्ट 1 1, नेक्स्ट 1 0, नेक्स्ट 1 1, लाइक दैट। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद असाइनमेंट कराने के जस्ट बाद, मीन असाइनमेंट के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड ऑपरेशन कौन सा है, डेसिमल टू बाइनरी। नेक्स्ट वन, जब प्रिंटएफ के थ्रू एक्स का वैल्यू प्रिंट कराओगे इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन दैट केस। अभी एक्स के पास वैल्यू किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्म, मीन्स अवेलेबल फॉर्मेट कौन सा, बाइनरी। और आउटपुट्स के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड फॉर्मेट के आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। तो रिक्वायर्ड क्या, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन परफॉर्म करने से पहले चेक करेंगे साइन बिट, और करेंटली एक्स का साइन बिट क्या है, 1। रूल कौन सा फॉलो करेंगे, सेकेंड रूल। सबसे पहले बाइनरी को टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी। बाइनरी वैल्यू क्या है इसके, 1010। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिक्वायर्ड इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज के अकॉर्डिंग सबसे पहले वंस, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0101। देन ऐड कराएंगे जब 1, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0। इट इज इक्विवेलेंट टू 6। डेसिमल वैल्यू क्या है 6, लेकिन साइन कौन सा अप्लाई होगा, माइनस साइन। देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंट टू माइनस 6। तो करंटली आपको इस केस में रिजल्ट क्या मिलेगा, फाइनली माइनस 6। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव नंबर इन द 4 बिट्स। सेवन, दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव नंबर इन द फॉर्म ऑफ 4 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस। नेक्स्ट वन, इन दैट केस अगेन वी आर टेकिंग साइज ऑफ एक्स इज अगेन 4 बिट्स। एक्स इज अ वेरिएबल, इस एक्स केस में साइज क्या करेंटली, अगेन 4 बिट्स। लेकिन इस बार आसान क्या कराया, एक्स इक्वल्स टू 20। तो सबसे पहले एक्स में वैल्यू असाइन करने के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या है, बाइनरी नंबर ऑफ एक्स, बाइनरी नंबर ऑफ 20। 20 का बाइनरी नंबर क्या है, 10100। दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ 20, बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट टू 16+4। देन इसके इसमें आप चेक कर सकते हो, करेंटली 20 को स्टोर करने के लिए टोटल रिक्वायर्ड बिट्स कितने हैं, 5 बिट्स। लेकिन एक्स के पास अवेलेबल कितने बिट्स हैं, 4 बिट्स। मीन्स इसका मतलब करंटली 20 को एक्स में कम्प्लीटली असाइन करना पॉसिबल नहीं है। इस केस में डेटा और इन्फॉर्मेशन लॉस्ट होने के चांसेस होंगे, बिकॉज करंटली अवेलेबल बिट्स कितने हैं, 4, और रिक्वायर्ड कितने हैं, 5 बिट्स। इसके साथ आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म करने नीड नहीं है, सिंपली जो भी बाइनरी नंबर आया, बाइनरी नंबर राइट टू लेफ्ट कॉपी करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले कॉपी क्या हुआ, 0। नेक्स्ट वन कॉपी कराएंगे, अगेन 0। नेक्स्ट टाइम कॉपी क्या हुआ, 1। नेक्स्ट टाइम 0। मीन्स एक्स का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कम्प्लीटली फ्लो हो चुका है। देन इस केस में अगर राइट मोस्ट वन की बात करें, लेफ्ट मोस्ट वन की बात करें, इस वन को स्टोर कराने के लिए एक्स के पास कोई भी मेमोरी स्पेस अवेलेबल नहीं है, इस कोई भी स्पेस फाउंड हो रहा है नहीं। देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज लॉस्ट बिट और डिस्कार्टेड बिट विच इज नॉट स्टोर्ड इनसाइड लोकेशंस। मीन्स सिंपली डिस्कार्डेड मीन्स इस बिट्स के बाद फाइनली मीन्स करेंटली 20, फिर से चेक कर सकते हो,
20 के केस में बाइनरी क्या है इसका 10100। एक्स के पास ओनली 4 बिट्स हैं, इसलिए राइट मोस्ट 4 बिट्स कॉपी करना पॉसिबल है। रिमेनिंग जितने बिट्स होंगे 1, 2 और एनी नंबर, सारे बिट्स क्या होंगे इस केस में डिस्कार्डेड बिट्स। मीन्स फाइनली एक्स के केस में अगेन साइन बिट क्या फाउंड हो रहा है 0। इस सिचुएशन में अगर आप एक्स का वैल्यू डिस्प्ले कराओगे यूजिंग प्रिंट एफ, अगर फिजिकली देखा जाए तो फिजिकली एक्स में क्या आसान कराया था करंटली 20। चेक करते हैं इसके रिस्पेक्ट में रिजल्ट क्या आएगा। इस केस में रिक्वायर्ड क्या हो बाइनरी टू डेसिमल, बिकॉज आउटपुट किस फॉर्म में आएगा बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम में, और इस वैल्यू का डेसिमल क्या है सिंपली 4। फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा इस केस में, रिजल्ट है 4। मीन्स असाइन क्या कराया था 20, लेकिन फिर भी रिजल्ट क्या होगा 4। मीन्स सारे केस प्रोग्रामिंग के थ्रू भी ऑब्जर्व करना पॉसिबल है। जनरली सी के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट कराओ, वेरिएबल्स का एलोकेशन ग्रुप ऑफ बाइट्स के फॉर्म में होगा, आइदर 1 byte, 2 bytes और 3, 4 bytes और 8 bytes लाइक दैट। लेकिन मैं नेक्स्ट केस में नेक्स्ट एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करूँगा, उस एग्जाम्पल्स के थ्रू मेमोरी एलोकेशन एग्जैक्टली रिक्वायर्ड बिट्स के फॉर्म में परफॉर्म कराना पॉसिबल, मे बी 2 bits, 3 bits, 4 bits like that।